दादाजी जेपी वासवानी के गुरु थे उनके सगे चाचा साधु टीएल वासवानी। सिंध के हैदराबाद से शुरू हुआ आध्यात्म के साथ सेवा के मिशन का ये सिलसिला साधु वासवानी मिशन के नाम से जारी है। चलिए जानते हैं दादाजी के गुरु साधु टीएल वासवानी के बारे में कुछ बातें। साधु वासवानी जी ने कहा कि जिंदगी का लक्ष्य बांटना है। उन्होंने बार बार हमें सिखाया कि गरीबों की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। ऐसी ही कुछ यादें बसी हैं दादाजी जेपी वासवानी के मन में। अपने गुरु और सगे चाचा साधु वासवानी की हिदायतें और सीख आज भी गांठ बांध कर चलते हैं दादाजी। साधु टीएल वासवानी कभी सिंध के एक कॉलेज में प्रिंसिपल हुआ करते थे। इंसानियत की सेवा का संकल्प लिया तो सन 1926 में एक आपति आश्रम, कुछ युवाओं को इकट्ठा करके उनके संग राष्ट्र निर्माण की राह पर चल पड़े साधु वासवानी। देश में नारियों की सामाजिक हालत ने साधु वासवानी को सन 1931 में सखी सत्संग और मीरा मूवमेंट शुरू करने की प्रेरणा दी। संदेश साफ था, प्रेम और त्याग के बलबूते भेदभाव रहित इंसानों का जहां बनाना। सन 47 में बंटवारा हुआ तो साधु वासवानी सिंध के हैदराबाद से महाराष्ट्र के पुणे आ गए और फिर यहीं से चल निकला वो कारवां जिसे सजाया था साधु टीएल वासवानी ने। स्टार न्यूज रिपोर्ट। समर्पण में फिलहाल वक्त हो चला है एक विराम का। विराम के बाद भी जारी रहेगी हमारे खास पेशकश, आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि अभी बाकी है बहुत कुछ। समर्पण में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए अब दादाजी जेबी वासवानी से जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ खास पल और साथ में सेवा, शांति, अध्यात्म और प्रेम में सराबोर कुछ रोचक बातें। दादा, सोसाइटी में बहुत बहकाव आ गया है, आतंकवाद की बड़ी घटनाएं बढ़ गई हैं, तो ये युवा बहक गए हैं, तो ये क्यों भटके हैं और उनको कैसे सही राह पे लाया जा सकता है? Well, you must start with the child. Start with the child. We have ignored the child. I remember the words of Sadhu Vaswani. One day he addressed a meeting of wealthy bankers and he said to them, "You are busy gathering silver and gold. But you have neglected your richest treasure. Your richest treasure is your children. We need to give time to our children. Today we are not giving time to our children." मीरा में भी बहुत यकीन है। मीरा क्यों? मीरा क्योंकि साधु वासवानी जी wanted to awaken Indian womanhood. So the very first school that he started was a school for girls. The first college that he started was a college for girls. And he said, "We must place before our girls a model figure." That model figure was Meera, because Meera, on the one hand, she had bhakti for the Lord, she had great devotion for the Lord. On the other, she had a feeling of identity with the poor masses, poor and broken ones. Now, wherever I go today, they talk of animal welfare. Animal welfare is not the answer. Animal rights are needed. The year 1789,
marks a landmark in the history of humanity. It was in that year, for the first time, human beings were given their rights. The French National Assembly passed a Bill of Human Rights. Otherwise, kings were sovereign. They could do whatever they liked. The 18th century gave rights to human beings. The 19th century gave rights to slaves. Otherwise, slaves were treated as pieces of furniture. They had no rights. The 20th century has given rights to women. And the 21st century, I verily believe, with your help and the help of media, will give rights to animals. That will be a great and glorious day in the history of humanity. दादाजी जेपी वासवानी की अगुवाई में साधु वासवानी मिशन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। दादाजी का ये विश्वास है कि शांतिमय होगी एक दिन दुनिया, और अगर इस तरह प्रेम और शांति को समर्पित आंदोलन जारी रहे तो हमें भी ऐसी ही उम्मीद करनी चाहिए। चलिए एक नजर डालते हैं साधु वासवानी मिशन पर। साधु टीएल वासवानी ने मिशन ब्रदरहुड शुरू किया। पूरी दुनिया को भाईचारे का संदेश देने का ये मिशन उनके देहांत के बाद साधु वासवानी मिशन के नाम से जाना गया। पुणे के मुख्यालय से लेकर लंदन और अमेरिका की जमीन तक आज साधु वासवानी मिशन मानवता का संदेश पहुंचाता है। दादाजी का एक स्पर्श कभी उन मरीजों के लिए मरहम बन जाता है जिन्हें व्यवस्था ने सबसे नीचे पायदान पर बिठा रखा है। दादाजी का हाथ आज भी उन भूखे बेटों को निवाला खिलाता नजर आता है जिनके लिए 2 जून की रोटी मुद्दत का सपना बनकर रह गई है। समाज के हर पहलू में नारी के योगदान और उसकी महिमा को पुनर्जीवित रखने के लिए मीरा मूवमेंट के साथ साधु वासवानी ने सबसे पहला विद्यालय महिलाओं के लिए ही खोला। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, आध्यात्म से लेकर आवास तक, इंसान से लेकर जीव जंतु तक, हर क्षेत्र में साधु वासवानी का आंदोलन जारी है। साधु वासवानी के संदेश और उनकी शिक्षा का लबोलवाब प्रेम, करुणा और सेवा से ईश्वर की प्राप्ति करना है। यही आध्यात्म की मंजिल है, यही शिक्षा की और यही इंसानियत की भी। स्टार न्यूज रिपोर्ट। सिंध से शुरू हुआ सफर अभी भी जारी है और ये रोशनी पहुंचेगी दुनिया के हर उस कोने तक जहां इंसानियत बसती है। यही संकल्प है दादाजी का और यही मंजिल है साधु वासवानी मिशन की। बहरहाल हम लेते हैं एक और छोटा सा विराम। विराम के बाद जानेंगे कैसा होगा कल का दिन।